यूपी के जनपद बहराइच में नवागंतुक एसपी विपिन मिश्रा के कार्यभार संभालते ही अपराधियों ने जनपद बहराइच में जघन्य हत्याओं को अंजाम देकर बड़ी चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। एक तरफ परिजनों के साथ गाजी की दरगाह में जियारत करने को आई 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसका शव सुनसान इलाके में फेंक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ परिजनों के साथ घर में सो रही विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दो हत्याओं की वजह से जनपद बहराइच थर्रा उठा है। हालांकि इन दोनों मामलों के बाद मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने गहनता से जांच में जुट गई है। इन दोनों मामलों में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि घटना के बीच जो दोषी है उनको किसी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच, यूपी। क्या नाम भैया? धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर, आज जो कैसरगंज में हत्या हुई है तुम्हारी रिश्तेदारी में हुई है, क्या हुआ था? रिश्तेदारी में पटीदारी में हुई थी। सुबह हल्लो हम सब सोते थे, सुबह 6 बजे की बात है तो पता लगा कि गोली लगी है, आवाज़ आई। गेंद हम सब घर पे देखे तो वहाँ देखे खून खच्चर, गाड़ी वाली बुलावागा कि ले चला जाए इलाज कराने के लिए, तो वहाँ एक्सपायर हो गई। तब पुलिस वाले को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस वाले आए तो जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। दरगाह में वाले जो बच्ची की हत्या है उसमें कुछ लीड हमें मिली है और कुछ संदिग्धों को हम उन्होंने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। शीघ्र ही इसके बारे में आपके समक्ष जो है वो खुलासा किया जाए। तो नहीं, अभी उन्होंने वेजाइनल स्मियर तैयार करके और पैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए भेजा है। बॉडी पार्ट्स पर जहाँ जहाँ इंजरीज हैं उनको उल्लेख किया है उन्होंने, और इस वेजाइनल स्मियर की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हत्या वो बलात्कार के बारे में पुष्टिकारक साक्ष्य। सर, जैसे देखा गया है अभी आपने ठीक से जिले को पहचाना भी नहीं था, अभी आप आए ही हैं और उसके बाद ये हत्याओं का सिलसिला 2 दिन के अंदर तीन हत्याएं जो सामने आ रही है हत्याओं को सम्मिलित करके, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपके होंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, ये एक संयोग है कि हत्याएं 2 हुई हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हत्या हमेशा जो है वो आयोगात्मक होती है, आवेग के अंतर्गत होती है और उस स्प्रिट में कुछ भी नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता है। फिर भी जो दहेज हत्या के प्रकरण हैं अथवा इस तरह के प्रकरण हैं, जैसे दरगाह पर जो है वो मैंने दरगाह के लोगों से, शहर के कुछ अन्य मौजूद लोगों से भी बात की है कि वहाँ की कुछ व्यवस्था में भी सुधार किया जाए ताकि अपराधी तत्वों को और अराजक तत्वों को वहाँ बढ़ावा न मिले इस तरह की घटना करने के लिए। ये थाना कैसरगंज के गांव रमुआपुर में अंजनी पत्नी दीनबंधु वर्मा, पुत्र बिंदेश्वरी वर्मा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में मृतका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपने घर में अकेली थी घटना के समय और गनशॉट से उसको मारा गया है। वादी इसके पति हैं दीनबंधु वर्मा, उनकी तहरीर पर हम लोगों ने अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसके गिरफ्तारी के लिए और अनावरण के लिए एसओ को निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही इसका अनावरण कर लिया जाएगा। क्या हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या कोई लूट का मामला है या कोई और है? मृतका का मोबाइल नंबर वगैरह भी हम लोग ले रहे हैं, उसकी कॉल डिटेल जो है, और अभी प्राथमिक तौर पर इस बारे में पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है कि लूट के इरादे से हुई है। मोटिव को थोड़ा और क्लियर करेंगे पीएम रिपोर्ट और उसके मोबाइल से।